फ्रेंड्स, माय सेल्फ विजय। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन एलपी। स्टेटमेंट दिस थ्योरम इज रिलेटेड टू फंक्शनल एनालिसिस। स्टेटमेंट लेट कैपिटल एफ बी ए बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन एलपी वेयर वन लेस देन इक्वल टू है पी लेस देन है इन्फिनिटी। जो पी है वन से इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो देन वी हैव टू शो दैट देयर इज ए फंक्शन जी। यहाँ पे हमें क्या शो करना है कि देयर इज ए फंक्शन जी इन एल पी सच दैट कैपिटल एफ ब्रैकेट एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी, और ऑल एफ बिलोंग करेगा एल पी से एंड वन बाय पी प्लस वन बाय क्या इज इक्वल टू है वन। हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, इसका प्रूफ देखते हैं। सिंस कैपिटल एफ वी इज ए बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन एल पी वेयर वन लेस देन इक्वल टू पी लेस देन है इन्फिनिटी से, हम क्या करेंगे, यहां डिफाइन करेंगे एक करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to 1 एज काई एस ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू है x की वैल्यू 0 < x < s के बीच में है तो हमें 1 मिलेगा रिजल्ट। अगर ये वैल्यू s > x < 1 यानी कि x की वैल्यू s के इक्वल या फिर s और 1 के बीच में हो तो हमें ये 0 देगी। और जो ये का ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन लिया है काई s, ये बिलोंग करेगा किस में, LP में। हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे फाई ऑन जी क्लोज इंटरवल 0 to 1 एज फाई ब्रैकेट एस इज इक्वल टू होगा कैपिटल एफ ब्रैकेट काई एस के, और यहाँ एस है ये बिलोंग कर रहा है 0 और 1 यानी कि क्लोज इंटरवल में। बी शैल प्रूव दैट जो फाई है, यहाँ से हमें प्रूव करना है कि जो फाई है वो क्या है हमारे पास, एब्सोल्युटली कंटिन्यूस है दिस क्लोज इंटरवल 0 1। तो यहां से कोई सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे, लेट करली ब्रैकेट एस आई कोमा टी आई, आई कहां से है 1 से लेके एन तक भी एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल ऑफ दिस क्लोज इंटरवल सच दैट देयर जो टोटल वेरिएशन होगा वो लेस देन होगा किसे, डेल से। तो यहां से क्या आ गया, समीशन आई इज इक्वल टू 1 से एन मोड फाइ टी आई माइनस फाइ ब्रैकेट एस आई, ये क्या होगा इजगल टू होगा, इसको क्या करते हैं इस वाली टर्म को ये क्या करते हैं इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देते हैं, फाइ ब्रैकेट टी आई माइनस फाइ ब्रैकेट एस आई इससे मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड। तो हम इसको लिख सकते हैं इसको इसी से डिवाइड इसी से मल्टीप्लाई, ताकि ये कैंसिल होने के बाद यही मिल जाएगा हमें। क्या किया हमने इस वाली टर्म को कंप्लीट को अपसाइला आई नाम दे दिया हमने, बाकी को एस टीज ले लिया, इस जो टर्म हमने ली थी उसको अपसाइला आई नाम दे दिया हमने। समीशन आई इज इक्वल टू 1 से एन अपसाइला आई ब्रैकेट फाई टी आई माइनस फाई एस आई, और जो हमने अपसाइला की वैल्यू लेट की थी वो उसको नाम दे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये है फाई टी आई, फाई टी आई हमने जो फंक्शन डिफाइन करता फाई ब्रैकेट एस इजगल टू होगा एफ ब्रैकेट काई एस के, तो यहाँ पे अगर मैं एस आई लेता हूं तो यहाँ पे काई एस आई बन जाएगा, ये कम इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हम इन दो वैल्यू को फाई टी आई की और फाई एस आई की इससे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मान लो यहाँ पे फाई टी आई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा काई टी आई, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था उससे वैल्यू पुट अप करती कैपिटल ब्रैकेट काई टी आई माइनस कैपिटल एफ ब्रैकेट काई एस एस आई। तो नेक्स्ट क्या किया, जो हमने एफ है ये यहां से कॉमन उठा लिया, कॉमन उठा के बाहर ले लिया, तो कैपिटल एफ ब्रैकेट समीशन आई इज़ इक्वल टू 1 से एन एप्सिलॉन आई ब्रैकेट काई टी आई माइनस काई एस आई, और यहाँ पे क्या है एफ हमारे पास क्या है लीनियर है, तो यहाँ से क्या होगा जब हम इसका नॉर्म लेंगे तो लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म, इस पे अलग अप्लाई कर दिया इस पे अलग कर दिया, तो यहाँ से क्या है और एफ हमें क्या दिया हुआ है बाउंडेड भी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको तो एस डी ले लिया और इसका इसका क्या नाम दे दिया हमने, इसकी जगह हमने पुट कर दिया डेल उसकी पावर 1/p। इफ वी राइट हम डेल को ऐसा पुट करेंगे डेल की वैल्यू डेल इज इक्वल टू है अपसाइला बाय
नॉर्म एफ और उसकी पावर पी, हमने ये डेल की वैल्यू ऐसी लेट की है, जब हम इसमें पुट करेंगे, जब हम इस डेल की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, पी से पिन कैंसिल हो गया और ये नॉर्म ऑफ एफ से नॉर्म एफ क्या बच गया यहाँ पे अप्साइला, तो इसकी जो वैल्यू थी वो लेस देन क्या आ गई अप्साइला के, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि फाई हमारा क्या है एब्सोल्युटली कंटिन्यूस है। ऑल्सो वी नो दैट द फंक्शन इज एब्सोल्युटली कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इन डिफाइनाइट इंटीग्रल, दस फाई इज एन इन डिफाइनाइट इंटीग्रल एंड हेंस देयर एग्जिस्ट एन इंटीग्रेबल फंक्शन जी ऑन दिस इंटरवल, यानी कि क्लोज इंटरवल 0-1 सच दैट फाई ब्रैकेट एस इजल टू होगा किसके इंटीग्रेशन 0 to S g। नेक्स्ट आएंगे जो फाई एस था वो किसके इक्वल था एफ काई एस के इजकल टू होगा फाई एस इजकल टू होगा इंटीग्रेशन 0 to S g, तो यहां से क्या हो जाएगा इजकल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 और जी डॉट काई एस। और हमने क्या किया था काई एस डिफाइंड किया था जब इसकी वैल्यू 0 to S के बीच में होगी एक्स की वैल्यू तो 1 देगा और एक्स की वैल्यू एस और 1 के बीच में होगी तो हमें 0 देगा। सिंस एवरी स्टेप फंक्शन साई ऑन द क्लोज इंटरवल ऑन 0-1 इज सुटेबल लीनियर कॉम्बिनेशन वी हैव एफ ब्रैकेट साई इजकल टू होगा कैपिटल एफ ब्रैकेट समीशन सी आई काई एस आई समीशन सी आई कैपिटल एफ ब्रैकेट काई एस आई। और इसकी क्या वैल्यू थी हमारी ये पीछे हमने निकाली थी जब इनडिफाइनाइट इंटीग्रल था, तो इसकी इसकी वैल्यू थी इंटीग्रेशन 0 to 1 जी काई एस आई। इसी इंटीग्रेशन को बाहर लेंगे जी को भी और यहाँ पे क्या बच गया अंदर समीशन सी आई एल। और इसका जो हमारा ये था इसकी किसकी वैल्यू थी ये जी साई की वैल्यू थी, तो यहां से आ गया इंटीग्रेशन 0 to 1 जी साई फॉर ऑल स्टेप फंक्शन साई। अब क्या करेंगे नाउ लेट एफ बी एनी बाउंडेड मिजरेबल फंक्शन ऑन दिस इंटरवल एंड हैंस लीवेक इंटीग्रेबल सो वाई अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, वो क्या थी अप्रोक्सीमेशन थ्योरम जब लीवेक इंटीग्रल हो तो वहां पे क्या थी लेट एफ बी एनी मिजरेबल फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एफ एन की ऑफ सिंपल फंक्शन सच दैट मोड एफ माइनस एफ एन कन्वर्ज करेगा 0 की ओर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो यहां से इसका रिजल्ट पुट करेंगे एंड हैंस देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, तो हम इसका इस रिजल्ट का यूज करेंगे इस थ्योरम के रिजल्ट का, तो यहां से क्या होगा देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस फाई एन ऑफ सिंपल फंक्शन सच दैट मोड एफ माइनस फाई एन और उसकी पावर पी टेंड्स करेगी 0 की ओर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो यहां से जब ये 0 की ओर टेंड्स करेगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर सिंस एफ क्या है हमारे पास बाउंडेड लीनियर फंक्शन, तो मोड कैपिटल एफ ब्रैकेट स्मॉल एफ माइनस कैपिटल एफ ब्रैकेट फाई एन इजकल टू होगा क्या करेंगे इनमें से कैपिटल एफ बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में अंदर क्या बच गया फाई माइन एफ माइनस फाई एन, और जब इसका इस पे नॉर्म अप्लाई करेंगे अलग अलग तो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ और नॉर्म ऑफ दिस, और ये क्या कर रहा था टेंस करेगा 0 की ओर, तो यहां से क्या आ गया ये 0 आ गया कंप्लीट, तो यहां से क्या कह सकते हैं जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं एन टेंस टू इंफिनिटी कैपिटल एफ ब्रैकेट फाई एन है वो क्या आएगा इजक्वल टू आ गया कैपिटल एफ ब्रैकेट स्मॉल एफ मोड जी फाई एन लेस देन इक्वल टू होगा इसी रिजल्ट से यूज करेंगे तो हम क्या आएगा नॉर्म ऑफ जी डॉट नॉर्म ऑफ फाई एन, और इसका क्या किया हमने जो हमारा ये फाई एन है इसको हमने ईटा नाम दे दिया ईटा डॉट जी, यहाँ पे ईटा इज द बाउंड ऑफ फाई एन, ईटा क्या है हमारे पास फाई एन का बाउंड है। अब क्या करेंगे हम लीवेक डोमिनेटेड कन्वर्जन थ्योरम का रिजल्ट का यूज करेंगे हम, वो क्या था हमारे पास लेट ए सीक्वेंस एफ एन ऑफ मिजरेबल फंक्शन बी डोमिनेटेड बाय एन इंटीग्रेबल फंक्शन जी, तो मोड ऑफ एन लेस देन इक्वल टू जी ऑन ई, और लिमिट अप्लाई करेंगे एन टेंड टू इन्फिनिटी तो एफ एन आई इक्वल टू एफ के ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, तो देन रिजल्ट क्या था हमारे पास इंटीग्रेबल ओवर ई एफ इज इक्वल टू है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेबल
ओवर ई एफ एन के, हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन जी एफ इजिकल टू होगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन जी फाई एन, उसी रिजल्ट का यूज किया हमने। तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी और ये इंटीग्रेशन जी फाई एन किसके इक्वल था, कैपिटल एफ ब्रैकेट फाई एन के, और जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं ये किसके इक्वल था, कैपिटल एफ ब्रैकेट एफ के फॉर ईच बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन एफ। तो यहां से क्या आ गया, जो हमारा एफ इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन एफ जी के। तो यहां से क्या कह सकते हैं, मोड इंटीग्रेशन एफ जी इक्वल टू होगा मोड कैपिटल एफ ब्रैकेट एफ, ये लेस देन इक्वल टू होगा किसके, जब इस पे अलग नॉर्म हो जाएगा और इस पे अलग नॉर्म हो जाएगा। तो इसको हमने नाम दे दिया स्टार इक्वेशन। अब क्या करेंगे, यूजिंग द रिजल्ट इफ जी इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन दिस इंटरवल एंड सपोज दैट देयर इज ए कॉन्स्टेंट एम सच दैट मोड ऑफ इंटीग्रेशन एफ जी होगा लेस देन इक्वल टू होगा एम डॉट नॉर्म ऑफ एफ पी फॉर ऑल बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन एफ, देन जी बिलोंग करेगा एल क्यू से और नॉर्म ऑफ जी क्यू लेस देन इक्वल टू होगा एम के। तो वी हैव, तो यहां से हम इसका रिजल्ट यूज करेंगे, इसका जो हमने ये यूज किया रिजल्ट, तो क्या होगा मोड इंटीग्रेशन एफ जी लेस देन इक्वल टू, ये तो हमारे पास था जब एफ बाउंडेड था यहां से, तो जी अगर बिलोंग कर रहा है एल क्यू से एंड नॉर्म ऑफ जी क्यू लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एफ के। सिंस एवरी स्टेप फंक्शन इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल सो साई इज बाउंडेड एंड मेजरेबल, तो जो हमारे पास कैपिटल एफ साई था वो इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन जी साई के, क्यों आ गए, बाउंडेड है और मेजरेबल है तो वो क्या होगा इंटीग्रेबल भी होगा। तो नाउ कंसीडर मोड कैपिटल एफ ब्रैकेट एफ माइनस इंटीग्रेशन एफ जी, यहाँ पे क्या किया माइनस आई एड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया इस रिजल्ट में, तो यहाँ पे ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या गया मोड ऑफ इस दोनों में से एफ कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया एफ माइनस साई प्लस एफ साई की यहां से पुट कर देंगे इंटीग्रेशन जी साई माइनस ये इंटीग्रेशन एफ जी एच डी लिख लिया। और अब क्या करेंगे नॉर्म अप्लाई कर देंगे तो लेस देन इक्वल टू आ गया नॉर्म इस पे प्लस, और इसमें से क्या किया हमने इंटीग्रेशन जी जी कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया साई माइनस एफ। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा नॉर्म ऑफ कैपिटल एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी पी डॉट नॉर्म ऑफ साई माइनस एफ और पी, ये लेस देन इक्वल टू होगा क्या होगा, ये हमारे पास क्या आ रहा था, ये आ रहा था हमारे पास लेस देन, इसकी वैल्यू आ रही थी लेस देन एप्सिलॉन, तो यहां से इसकी वैल्यू एप्सिलॉन पुट कर दी तो हमारे पास क्या बच गया नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी डॉट अफसाइला मोड कैपिटल एफ ब्रैकेट एफ माइनस इंटीग्रेशन एफ जी लेस देन इक्वल टू हो गए इसके, और अफसाइला क्या है हमारे पास आर्बिट्रेरी है तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा, बट अफसाइला क्या है आर्बिट्रेरी तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कैपिटल एफ ब्रैकेट एफ इजिकल टू होगा इंटीग्रेशन एफ जी के और एफ बिलोंग करेगा एल पी से, यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। Thank you, friends.